नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे कुढ़नी विधानसभा को लेकर। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ मतदाताओं की नज़र 8 दिसंबर को होने वाले मतगणना पर टिका हुआ है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जीत का दंभ भरा जा रहा है। एक तरफ जहाँ यह चुनाव बीजेपी और जदयू के बीच में सीधा मुकाबला माना जा रहा, तो वहीं हम कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत को देखेंगे तो उससे भी यह स्पष्ट होता प्रतीत होगा कि किस राजनीतिक पार्टी का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की ही बात कर लें तो कुढ़नी में बेहतर मतदान होता रहा है, ऐसे में इस बार उपचुनाव में 57.9% मतदान हुआ, यानी कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में 6% कम मतदान हुआ है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं और कांटे का टक्कर भी देखने को मिल सकता है। कुढ़नी विधानसभा के अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स को देख लें तो साल 2020 में यहाँ पर बीजेपी और जदयू दोनों मिलकर चुनाव मैदान में थी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से राजद चुनाव मैदान में उतरी थी। हालांकि इस चुनाव में राजद को जीत मिली थी और यहां पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यानी कि साल 2022 के उपचुनाव में समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। बीजेपी इस बार अकेले चुनाव मैदान में है, जबकि जदयू के साथ राजद और हम है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। शासी जानकार इसे नए प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं। भारत टाइम्स में छपी एक खबर की माने तो कुढ़नी विधानसभा चुनाव में सवर्ण बहुल वाले इलाकों में वोटिंग प्रतिशत काफी कम दर्ज हुआ है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सवर्णों का वोट बीजेपी के पास जाता है, ऐसे में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि इन इलाकों में वीआईपी वोटरों का भी अच्छा खासा समर्थन मिला है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इन वोटों के बंटवारे के चक्कर में जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो वहीं वीआईपी को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से कुढ़नी में मतदान हुआ है, उससे यह सवाल पूछा जा रहा है कि इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। यह सब बात इस बात पर निर्भर करता है कि वीआईपी के उम्मीदवार नीलाव कुमार ने और एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम अंसारी ने कितना वोट अपने पाले में किया है। ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन के साथी यानी कि राजद, हम और कांग्रेस का वोट अगर जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के खाते में गया है, तो यहाँ वे बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता को चुनाव मैदान में पटकनी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम का समीकरण पिछले दो उपचुनाव में देखने को मिला है, उससे यही स्पष्ट होता है कि अगर पुरानी थ्योरी काम करती है तो यहाँ पर जदयू को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी के लिए भी इतना आसान गेम नहीं है, क्योंकि वीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार ने अपने क्षेत्र में सामाजिक मुद्दों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भूमिहार समाज का वोट इनके हिस्से में जा सकता है, जिससे कि बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान होगा। ऐसे में अब सब कुछ 8 दिसंबर पर टिका हुआ है कि इस दिन जैसे ही मतगणना शुरू होगी, वो कौन सी थ्योरी और कौन सा समीकरण है जो सामने आएगा और उम्मीदवारों की जीत तय होगी। तो हमें और आपको 8 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का पटाक्षेप हो जाएगा। तो ये थी कुढ़नी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।